परेशान हुई। वाई की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 3x 2x 4x/5 कुछ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला वाई न्यू निकालोगे, इसको डबल कर तो कितने टाइम्स हो गया वाई, 2 टाइम्स। इसको 2 टाइम्स करोगे ये भी 2 टाइम्स होगा बोलो, और एक स्क्वायर रहेगा तो इसको 2 टाइम्स करोगे ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है अब बताओ, इफ यू बिकम ट्वाइस देन टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम 2 टाइम्स, रेंज बिकम 4 टाइम्स, वेरी गुड, एंड हाइट बिकम 4 टाइम्स अगेन, बन जाएगा ऐसा। तो अगर ये एन टाइम्स हो रहा है, ये वाला हो रहा है एन टाइम्स और बाकी दोनों हो रहे हैं इस एक्स पर, मतलब ना तो ये एक्स है ना क्रॉस एक्स, मतलब इतने टाइम क्या है ये, कितने टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बताया। तो स्क्वायर का प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि वो एन स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, नोट करते जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट आप लिखना प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रॉब्लम कॉम्पिटेटिव के लिए लिखिएगा आप इसको, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल में जितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो यही है। नेक्स्ट इसके ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन, ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव लिखना, ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव, स्कूल के लिए मोर देन सफिशियंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखना आप प्रोजेक्टाइल, प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्टाइल्स अपोस्ट्रोफियस नजर आ देना, प्रोजेक्टाइल्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन है, आर गिवन है एक्स इक्वल टू 40 एंड वाई इक्वल टू 20 - 5t² आपको दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट है, बोलो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या करना चाहिए अभी भी बताया आपको, हाँ एक्स और वाई के ये अलग अलग तो निकला ही हुआ है एक्स और वाई, तो फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, हाँ देखो टी का वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे, टी को एलिमिनेट करना है ना, अभी क्या बताया एक्स और वाई को रिलेट करना है तो आपको एलिमिनेट किसको करना है, बस बस टी को 1 से उठा के 2 में पुट करो, एक्स से उठा के वाई कर दो, इन दैट सेंस लाइक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, पुट टी फ्रॉम 1 टू 2 सीधा एक्स टेन थीटा, ऐसा कुछ नहीं लगाना है, वो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जरूरत ही नहीं है याद करने, पुट टी इक्वल टू x/4 इन वाई, तो 10t - 5t² टी की जगह x/4 5x/2 5x² / 16 बन जाएगा बोलो। तो ये तो क्या था इक्वेशन गिवन थी, तो आपने क्या निकाल दिया ट्रेजेक्ट्री, ठीक है अब इसमें दूसरा वाला जो मैं दे रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा और सोचना है। A projectile is projected, सिर्फ और सिर्फ नीट और मेन्स के लिए है ना, नीट में टॉप स्ट्रेंथ इक्वेशन है नीट के लिए, मेन्स में आते रहते हैं है ना, नीट वाले बच्चों के लिए टॉप रैंक का क्वेश्चन, मतलब पीजी पेपर आएगा तो ये सब लेवल नहीं आया, डिसाइडिंग होगा ये सब क्वेश्चन, रैंक डिसाइडिंग। तो आपने क्या लिखा, A projectile is projected with velocity, with velocity 6i cap + 4j cap
I cap plus 4 j cap. The DPP में question number 48 जो है 2010 से मेरे DPP और ये as it is आ चुका है IT बिना कुछ भी change 1 और 2 सब कुछ से इतने अच्छे question है ना उसी के जैसे question है मैं करा रहा हूँ पूरी DPP करनी भी नहीं आपको ये पूरी DPP नहीं करनी है ना मैं बता दूंगा जो जो करना है वही ठीक है होमवर्क क्या लिखा आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ अब बताओ क्या करना चाहिए रेंज निकाल देंगे फिर क्या करेंगे दबाव लेकिन फिर रेंज निकालोगे तो थीटा भी निकालना पड़ेगा ठीक है ये जैसा एक्स कंपोनेंट कितना बताओ वेलोसिटी प्लस 6 है माइनस जी जी को 10 लिख दिया बोलो आवाज नहीं आ रही प्लस फाइव डी स्क्वायर आया अभी भी किया क्या करेंगे फिर से बोलो तुम लोग हाँ ठीक उठा के यहाँ रख देंगे बोलो आया तो इसमें एक स्टेप हमने ज्यादा क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन था हमने एक्स और वाई यहाँ निकाल दिया है क्योंकि वेलोसिटी गिवन थी क्या गिवन थी बोलो और यहाँ हाफ एटी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया एक्स में क्योंकि एक्स में कोलिजन नहीं होता है वाई नहीं होता है बन जाएगा तो ये वेरी गुड ऐसा क्वेश्चन है एज इट इज आ जाएगा आपके मेंस में या तो मीट में क्लियर है सबको बनेगा तो पक्का वैसा क्वेश्चन है आपकी डीपीपी में चाहो तो लिख सकते एग्जैक्टली ऐसे ही आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 48 है 48 लिख लेना कॉपी में लिख लो क्वेश्चन नंबर 48 अब ट्राई करना बनेगा आपके घर पे क्योंकि क्वेश्चन आए जैसे आने वाले क्वेश्चन में देते बिना कोई चेंजेस के आ जाओ नेक्स्ट अब कुछ नेक्स्ट नहीं रिवाइज कर लो बस पहले आज इतना पढ़ा फटाफट रिवाइज कर लो डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे डेरिवेशन पूछूंगा कैमरा ऑन करा के ठीक है आज तो टाइम हो गया कैमरा ऑन करना है ऑफलाइन वाले को मैं यही चेक कर लूंगा तो भी रिवाइज कर लो जितना टाइम है रिवाइज कर लो एक बार डेरिवेशन देख लो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो जितने टाइप का क्वेश्चन होता है और होमवर्क लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर इस डीपीपी का 1 और 2 और 3 अभी नहीं करना आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 4 to 15 क्वेश्चन नंबर 4 to 15 देन आपको ट्राई करना है 24 21, 24 देखो किसी भी क्वेश्चन में जैसे 21 में लिखा हुआ है ना और प्रोजेक्टाइल है सेम रेंज फॉर टू केस है
है ना, फॉर टू डिफरेंट एंगल, तो पक्का एक एंगल को लेना है थीटा, दूसरे को, वेरी गुड, और अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। देन 28, 32, और अभी जो लास्ट में आपको बताया वो 48, बस कितना कर लेना, कर सकते हैं इतना। हर जगह पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा, उसके रेंज हाइट और यही सबके ऊपर क्वेश्चन है। कॉपी में वहीं पे लिख लिया करो क्वेश्चन नंबर, और वहीं पे सॉल्व करके आपको लाना है, या होमवर्क कॉपी में चाहो तो होमवर्क में भी करो। ओके, थैंक यू।